हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। माय नेम इज शीज़ा और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, और आने वाले दिनों में व्लॉग भी देखने को मिलेगा। जो आज की हमारी वीडियो है वो एक फाउंडेशन पे है, ठीक है, जो अफोर्डेबल भी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमारी रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट बताइएगा, जो भी बताइएगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है, अफोर्डेबल है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। चले अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक फाउंडेशन के बारे में, एलोवेरा मेकअप फाउंडेशन, ठीक है। 100% ये नेचुरल है। इनकी ये क्लेम करते हैं कि हम ये 100% नेचुरल है, एंटी एजिंग है। ये देखें, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाइड्रेट्स, यानी कि स्किन को हाइड्रेट भी करती है और मिनिमाइज फाइन लाइंस। ये होती है ना, जो बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे पोर्स में सामने विजिबल होती हैं, तो ये क्लेम करते हैं कि ये मिनिमाइज जो है ना फाइन लाइंस में, ये नहीं होती, ठीक है ना, इंटर नहीं होती, यानी कि फाइन लाइंस शो नहीं करती। एलो एलो नरिशिस द स्किन, और एलोवेरा ये बता रहे हैं कि ये स्किन में स्किन नरिशिंग के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो इसमें मौजूद है। ऑयल फ्री, ये ऑयल फ्री है, ठीक है। एस पी एफ 25 है इसमें, ठीक है। लॉन्ग वेयरिंग है, यानी कि काफ़ी देर तक चलती है। ये इनके क्लेम है जो इन्होंने बोले हैं, ठीक है। AP ब्रांड का नाम है। इसके अलावा 24 की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। यहाँ पे इसका नेट वेट दिया गया है, 80 ग्राम है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सारी इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा ये कोरिया का ब्रांड है, ठीक है। और ये मेरे पास जो नंबर है वो है 03। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो इसका रिज़ल्ट देखा है, ठीक है, जो मैंने एप्लीकेशन में देखा है कि ये जितने भी इन्होंने क्लेम किए हैं क्या ये सच है या नहीं, ठीक है। सो पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह से ट्यूब सी आती है, ठीक है, ट्यूब में से ये आता है। वैसे एक लिहाज से ये ठीक ही है कि जितनी चाहिए हो, जितनी अमाउंट चाहिए हो, वो आसानी से इंसान जो है निकाल सकता है, क्योंकि अगर ये जार में होता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी जो कवरेज है, मैंने अप्लाई की हुई है और मैं काफ़ी दिनों से अप्लाई कर भी रही हूँ, ठीक है। इसकी जो कवरेज है वो लाइट टू मीडियम है, ठीक है। हैवी कवरेज आप इसको नहीं बोल सकते हैं। अभी तो आपको दिख रहा है कि ये हैवी कवरेज है, लेकिन ये थोड़ी देर में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक इन्होंने बोला है ये ऑयल फ्री है, तो नहीं मेरी बहनों, ये ऑयल फ्री नहीं है, ये ड्यू फिनिश रखती है, ठीक है। ये थोड़ा सा लगाने के बाद ऑयली या शाइनिंग स्किन को कर देती है, ये बिल्कुल ऑयल फ्री नहीं है, हल्का सा, यानी और हाँ, हाइड्रेट की जहाँ तक बात है, ठीक है, इन्होंने बोला हाइड्रेट भी करती है स्किन को, वाकई में ये हाइड्रेट करती है, ठीक है। और फाइन लाइंस में ये फिक्स होती है कि नहीं, तो नहीं, फाइन लाइंस में ये फिक्स नहीं होती। हाँ, अगर ज़्यादा मिकदार में लगाओगे, चाहे वो अच्छे से अच्छी फाउंडेशन हो, तो वो तो लाजमी सी बात है, वो विजिबल होगी, ठीक है। तो ये जो सी है, अगर आप एक हिसाब से लगाओ, तो ये फाइन लाइंस में बिल्कुल भी नहीं जाके बैठती। तो 100% नेचुरल है। अब ये तो नहीं पता कि ये वाकई 100% नेचुरल, इन्होंने इंग्रीडियंट शामिल किया, लेकिन जो भी इंग्रीडियंट है इसकी बैग पे है, इसकी ये कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आई थी, सो वो मेरे से मिस प्लेस हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उसकी ऊपर आपको पिक सेंड कर दूंगी, ठीक है, ऊपर आपको पिक इसकी लगा दूंगी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आप जाके और भी बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फाउंडेशंस और ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हैं। और ये छोटा सा रिव्यू था इस प्रोडक्ट के बारे में। और इसकी जो प्राइस है, ये है 350 में, आपको ईजीली किसी भी जनरल स्टोर, सॉरी कॉस्मेटिक स्टोर पे आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। और ये अफोर्डेबल भी है। ये समझ लें कि ये बीबी क्रीम है, ठीक है ना, ड्यू फिनिश रखती है, ये बीबी क्रीम है। क्योंकि अभी देखें, ये थोड़ी देर पहले ये कितना वाइट हो गया था, लेकिन अब देखें ये बिल्कुल बैठ गया है स्किन में, नज़र नहीं आ रहा कि हमने कुछ लगाया, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उंगलियों में देखें, यहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया और यहाँ मैंने अप्लाई किया है, इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये छोटा सा रिव्यू था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे विजिट करके बाकी वीडियोस भी देखें, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।